नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चीन के नेविगेशन सिस्टम बायदू के बारे में। देखेंगे इसको क्या है ये सिस्टम और यह अमेरिका की परेशानी क्यों बन गया है। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, आप देख सकते हैं चाइनाज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑफिशियली कमीशन द नेविगेशन सिस्टम ऑन फ्राइडे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, चाइना सेलिब्रेट्स कंप्लीशन ऑफ राइवल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। और आप देख सकते हैं अल जजीरा का भी आर्टिकल है, चाइना कंप्लीट्स सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम कुड राइवल द यूएस जीपीएस। देखते हैं व्हाई इन न्यूज, यह न्यूज में क्यों है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, चाइना ने अपना नेविगेशन सैटेलाइट दुनिया को समर्पित कर दिया है, बाइडू, और यह अमेरिका के जीपीएस को कड़ी टक्कर दे रहा है। चीन यह बायदू सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन, इमरजेंसी मेडिकल रेस्क्यू और सिटी प्लानिंग और भी तमाम कार्यों के लिए यूज करेगा। दोस्तों, अगर बात करें नेविगेशन सिस्टम, बायदू नेविगेशन सिस्टम की, तो यह क्या है, इसको मैं कुछ दो चार पॉइंट में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले 1994 में चीन ने यह सिस्टम बनाना शुरू किया था। 2020 तक कुल 35 सेटेलाइट जो कि नेविगेशन से रिलेटेड है चीन लॉन्च कर चुका है। इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो यह अंडर 10 मीटर है, और जहां जीपीएस अमेरिका का जीपीएस 2.2 मीटर तक की एक्यूरेसी रखता है। इसके यूज की बात करें तो 2000 से चीन अपने यहाँ मेनलैंड चाइना में यूज कर रहा है, सन 2000 से, और 2012 में इसने एशिया पैसिफिक में ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। अगर इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो अमेरिका का जीपीएस हो गया, रूस का क्लोनास हो गया, और ईयू यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। दोस्तों, जैसा कि जीपीएस को दुनिया भर की मिलिट्री यूज करती है और इस समय चीन व यूएसए के संबंधों में खराबी है, चीन के लिए जीपीएस यूज करना सेफ नहीं है, इसलिए चीन इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहा है। और चीन यह भी मानता है कि वह दुनिया भर के और तमाम जो जीपीएस हैं उनसे मुकाबला करने को तैयार है। देखिए, चीन के इस सिस्टम पर, बायदू सिस्टम पर, अमेरिका का को कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। यह चीन के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका का जीपीएस चीन यूज करता रहा है, जिस पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल रहता था। कभी अगर वॉर के टाइम अगर डिनाई कर दिया अमेरिका ने, तो चीन के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। तो यह परेशानी अब चीन की दूर हो चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी एक बात है जो, वो है चाइना की मिलिट्री का इसका यूज करना। देखिए, चाइना की मिलिट्री क्या कर सकती है, बायदू गाइडेड कन्वेंशनल स्ट्राइक वेपन्स का यूज कर सकती है। जैसे कि जीपीएस अगर यूज करती, उस पर यूएसए का पूरा कंट्रोल था, इसलिए उसको परेशानी हो सकती थी ऐसे वेपन्स फायर करने में। लेकिन अब वो परेशानी दूर हो चुकी है, और गाइडेड मिसाइल्स वगैरह भी लॉन्च कर सकती है चाइना की मिलिट्री। देखिए, अगेन नेक्स्ट, जैसे मैंने पहले बताया, डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी चीन की, और चाइना की सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल वैल्यूज को बहुत ज्यादा पावर मिलेगी। टू एंटर द इलीट ग्रुप दैट प्रोवाइड स्पेस बेस्ड सिस्टम लाइक जीपीएस, ग्लोनास एंड गैलीलियो, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताया है। अब बात आती है कि चीन इस बायदू सिस्टम का यूज कैसे और कहाँ कर सकता है। देखिए, चाइना का एक, आपने नाम सुना होगा, चाइना का BRI प्रोजेक्ट है, उसमें इस समय कम से कम 100 देश शामिल है। चाइना मानता है कि इन 100 देशों को यह अपना बायदू सिस्टम प्रोवाइड करेगा और उससे इनकम जनरेट करेगा। पाकिस्तान तो पहले से ही बायदू सिस्टम यूज कर रहा है, यह नेविगेशन में यूज करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, सिटी प्लानिंग, ये मैंने आपको पहले बताया था। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है ये सैटेलाइट सिस्टम को जो है ये स्पाइंग के लिए भी यूज कर सकते। और देखिए, चीन ने अमेरिका के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। अभी तक दुनिया भर के देश जीपीएस ही यूज कर रहे हैं, लेकिन जो ये 100 देश हैं जो BRI प्रोजेक्ट में हैं, वो शिफ्ट कर सकते हैं बायदू सिस्टम की ओर। दोस्तों, वीडियो को एक पॉजिटिव नोट के साथ एंड करते हैं। इंडिया के नेविगेशन सिस्टम के बारे में थोड़ी बात करते हैं। नाविक, आपने बहुत सुना होगा इसका नाम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, ये जो है ऑफिशियली इसका नाम जो है नाविक रखा गया है। सिस्टम में 7 सैटेलाइट्स को टोटल लॉन्च किया जाना था, जो कि सारे स्पेस में प्लेस किए जा चुके हैं और यह है अब ऑपरेशनल हो चुका है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फरवरी में एक रियल मी X50 प्रो ये फोन आया था,
यह जो है नाविक सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया था। नाविक भारत के बाहर 1500 किलोमीटर के रेडियस में यह सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है। भारत चाहता है कि यह अपने नेबरिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।